स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 29। तो हम आज इस वीडियो में 1 to 29 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। सबसे आसान रूल्स है, तो हमें नंबर चेक करना है कि वो 1 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सभी नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल ऑल नंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। इफ़ नंबर इज इवन देन इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। मीन्स द नंबर शुड बी इवन। इवन मतलब नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर कंपलसरी होना चाहिए, तो वो नंबर इवन होता है। और इवन नंबर को 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। दिस इज़ द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि जो डिजिट है, जो नंबर है, उस नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उसकी सम जो है वो 3 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 3 ये डिजिट है, पर ये नंबर है, इनमें से 3, 6, 3 ये डिजिट्स है उनकी सम होगी 3 + 6 = 9, 9 + 3 = 12। तो 12 चेक करेंगे, 12 3 के टेबल में आता है क्या, आता है। और 12 को 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 363 नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। यानी कि मतलब एक नंबर है, लेट्स सी दिस नंबर। अब इस नंबर को देख के हमें पता तो नहीं चलता कि इसके ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए कम्प्लीटली। उसके बाद ही ये पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, अब ये लास्ट 2 डिजिट्स है 16 4 से डिविजिबल है क्या। यस, डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4, दैट इज लास्ट 2 नंबर्स डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ये तो सबको पता होगा कि कोई भी नंबर ले लो, लेट्स सी एक बड़ा सा नंबर है। अब कैसे चेक करें कि ये डिविजिबल है 5 से या नहीं है। तो इसके लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का डिजिट है एक, कोई भी एक डिजिट लास्ट का, वो 0 और 5 होना चाहिए, तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ये सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। लेट्स सी डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है। तो आप नंबर को 6 नंबर को ऑब्जर्व करो। 6 नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 1 से तो है ही, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, लेकिन 2 और 3 से भी, दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। इसलिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। मतलब 2 से डिविजिबल हो बट 3 से ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। दैट इज नंबर शुड डिविजिबल बाय बोथ, इस नंबर पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बोथ 3 और 2। एंड सो आपको दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लेट सपोज एक नंबर लेती हूँ,
ये नंबर हम कैसे चेक करेंगे कि 2 और 3 मतलब 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इट शुड बी फॉलो द रूल ऑफ 3 एंड 2 डिविजिबिलिटी। सो फर्स्ट देखते हैं 2 का, तो इवन नंबर है, यस इवन नंबर है। दूसरा 3 का, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो सम ऑफ नंबर देते हैं 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यस है। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है, 3 और 2 से तो है ही लेकिन 6 से भी है। तो ये है हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें कोई ऐड नहीं करना है, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी की एडिशन नहीं देखनी या कुछ नहीं देखना। तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है और ऐसे ही बाकी सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल है, आप देखेंगे आगे। तो इसका रूल है कि लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 6755 और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये मुझे चेक करना है। तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है 5, वो 5 मैं ले लूँगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आंसर आएगा 25। ये जो 25 है वो इस डिजिट के रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर तैयार होता है उसमें ऐड करूँगी, दैट इज 675 प्लस 25 करूँगी। तो 5 5 10, 10 में इधर 0 इधर 1 कैरी, तो 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, सो अगेन 0 हियर एंड कैरी हियर 700। तो आप देख सकते हैं 700 ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये भी नंबर 7 से डिविजिबल है। इस तरह से हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो इधर मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई करते जाओ 5 से और एंड उसके बाद ऐड करते जाओ। तो ये शॉर्टकट इधर लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाए। नेक्स्ट लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 8 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट के कौन से भी लास्ट के 3 डिजिट्स हो, वो कोई भी हो, वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो सपोज मैं लेती हूँ इधर एक नंबर 16288, तो हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है क्या 8 से या नहीं। तो यस, हम लेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स 288 और उनसे बनता है नंबर 288, तो हम चेक करेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो लेट सपोज 8 हियर, 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 4, अगेन 8 6 जा 48, रिमाइंडर इज 0, दैट इज दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप गेस कर सकते हो, 9 है, 9 को देखने से क्या ख्याल आता है कि 9 जो नंबर है वो नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल 3 के हिसाब से सेम है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर शुड डिविजिबल बाय 9। लेट सपोज हम लेते हैं 9 8 1 6 3। अब ये डिजिट हमें चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। सो 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3, 9 प्लस 8 होता है 17। देन उसके बाद
प्लस वन 18, 18 प्लस 18 प्लस 6 होता है 24, 24 प्लस 3 होता है 27। सो 27 9 से डिविजिबल है क्या? यस है, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल है। तो ये मैंने 1 से 2 से 9 तक डिविजिबिलिटी रूल्स लिख दिए हैं इधर, और हम देखते हैं आगे के रूल्स। तो इससे पहले मैं ये रख करूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको बाद में भी काम आए। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल आसान है, बट कभी कभी हम गलती से नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 होगा तो भी हम एज्यूम करते हैं कि 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद आता है अचानक से, क्योंकि 5 × 2 मतलब 10, 10 को 5 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली। तो हम ऐसा गलती जल्दबाजी में कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख देती हूँ लास्ट डिजिट शुड बी 0, ऑलवेज 0। नेक्स्ट द 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लेट सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 416042, और ये नंबर को मैं ऑल्टरनेट पोजीशंस को जो डिजिट्स है उनके सम करूँगी और उसके डिफरेंस देखूँगी। तो ऑल्टरनेट सम देखते हैं, तो सबसे पहले 4, 6, 4 और उसके बाद 2 नहीं देखेंगे, तो 4 + 6 = 10, 10 + 4 = 14। ये अल्टरनेटिव नंबर्स रिमेनिंग 1, 0, 2, 1 + 0 + 2 होता है 3, इसका डिफरेंस देखेंगे मॉड में, मतलब 14 - 3 मॉड और 3 - 14 मॉड, आता है 11 आंसर। और 11 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरा 11 से डिविजिबल है। तो शॉर्टकट में इधर लिख देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। 12 की डिविजिबिलिटी क्या है? 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। तो 12 की डिविजिबिलिटी आसान है, वो नंबर 3 और 4 दोनों से कंपलसरी डिविजिबल होना चाहिए, उसके बाद ही वो नंबर 12 से डिविजिबल हो सकता है। तो इधर मैं लिख देती हूँ नंबर शुड फॉलो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 4, दैट इज इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। नेक्स्ट है 13। 13 की डिविजिबिलिटी, लेट सपोज एक नंबर है और ये नंबर है, बड़ा नंबर लेते हैं कुछ, लेट सपोज सो बड़ा नंबर लेते हैं 7319। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 36। 36 जो है वो रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे इधर, 6 + 1 = 7, 3, 3 + 6 = 7 हियर। तो अभी फिर से लास्ट डिजिट लेंगे 7 × 4 करेंगे, फिर से 28 आएगा, वो 28 फिर से रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे, सो आंसर आएगा, फिर से देखेंगे, अभी किसी को टेबल लर्न नहीं होगा 13 का, तो उसके समझ में नहीं आएगा ये 104 13 के टेबल में आता है कि नहीं। 13 के टेबल में 104 8 पोजीशन पे आता है, 13 × 8 = 24, बट फिर भी मुझे याद नहीं है 13 का टेबल, तो मैं फिर से लास्ट डिजिट ले लूँगी 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 × 4 = 16, और 16 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड करने के बाद आंसर 6, 0 + 6 = 6 और इधर 2, सो 26 13 से डिविजिबल है, तो ये भी पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। तो मैं इधर शॉर्टकट लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय
4 and add it into remaining parts. तो आप समझ जाएंगे ये शॉर्टकट लिख दिया है. नेक्स्ट है 14. अगेन 14 नंबर को ऑब्जर्व करते वक्त हमें क्या दिखता है, 14 नंबर 7 एंड 2 से डिविजिबल है. तो जब हमें कौन सा भी नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, 7 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और वो सेटिस्फाई होता है, दोनों को सेटिस्फाई होता है तभी जाके 14 से जो नंबर है वो डिविजिबल होगा. इधर लिख देती हूँ शॉर्टकट, इट शुड डिविजिबल बाय 7 एंड 2 दोनों से, दैट इज नंबर शुड फॉलो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एंड 2. नेक्स्ट देखते हैं 15 का भी ऐसा है. 15 को ऑब्जर्व करो क्या दिखता है हमें, 5 + 1 = 6. ये डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम डिविजिबल होने चाहिए 3 से, तो भी ये नंबर 3 से डिविजिबल हो तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 और लास्ट का डिजिट है 5, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है. तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5. नंबर शुड डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, इधर भी बोथ 7 and 2 है. तो ये था 15 का डिविजिबिलिटी रूल. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं 16 से, 16 का डिविजिबिलिटी रूल. तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 की तरह है, क्योंकि जब हम 16 को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वो 4 का स्क्वायर है. तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के जो चार डिजिट्स है, लास्ट के चार डिजिट्स वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए. लेट सपोज एक नंबर लेते हैं, इसके जो लास्ट चार डिजिट है वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए. इसके लिए फिर से हम देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, 16 × 16, 16 × 3 = 48. तो इधर 48 लिखेंगे और उसके बाद आंसर रिमाइंडर आता है 3 और ये 3 इधर. सो उसके बाद 16 × 32, रिमाइंडर इज 1, फिर से ये 6 इधर लिखेंगे, 16 × 16. सो यस, रिमाइंडर इज 0, दैट इज दिस नंबर लास्ट फोर डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16, दैट्स व्हाई दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16. मैं लिख देती हूँ, लास्ट फोर डिजिट्स शुड डिविजिबल बाय 16. नेक्स्ट लेते हैं 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, थोड़ा बहुत 7 and 13 से सिमिलर है. मतलब हमें क्या करना है, इधर कोई भी नंबर चेक करना है वो डिविजिबल है या नहीं 17 से, तो हमें उस नंबर के लास्ट डिजिट को, लेट सपोज एग्जांपल के साथ समझा के बताती हूँ. तो हम एग्जांपल लेंगे दिस 9571. अब चेक करेंगे कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट डिजिट लेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे. सो आंसर दिस. देन अगेन आप देख सकते हैं इस नंबर को फिर से चेक करना मुश्किल है 17 से डिविजिबल है या नहीं. तो फिर से हम लास्ट पार्ट लेते हैं 9, उसको 12 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आएगा 108. तो 108 को अगेन रिमेनिंग पार्ट में ऐड करते जाना है 14, तो कैरी 1, 0, कैरी 2, 1, 204. अगेन इस नंबर को फिर से 17 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है. तो फिर से लास्ट डिजिट है 4 लेते हैं, 4 × 12 होता है
48, तो 48 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 8 8 एंड 2 प्लस 4 6, सो 68 17 से डिविजिबल होता है, 17 इंटू 4 होता है 68, तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 17। सो इधर शॉर्टकट में क्या लिख देती हूँ, शॉर्टकट में लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इंटू 12 एंड ऐड, इतना ही लिख देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 18, 18 का डिविजिबिलिटी रूल, 18 को ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा 9 से डिविजिबल है और 9 के टेबल में सेकंड पोजीशन पे आता है तो 2 से भी डिविजिबल है और इवन भी है वो नंबर। तो इसका डिविजिबिलिटी सिंपल है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9 एंड 2, 2 बोथ, तो आपको दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 19 का डिविजिबिलिटी रूल, 19 का डिविजिबिलिटी रूल, अब 19 के लिए 17 जैसा ही है, नंबर है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को और उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ, 3 2 8 5, उसको लास्ट डिजिट है 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 1 3 3, फिर से लास्ट डिजिट लेंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आंसर आएगा 16, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे 9 या 4। यस, देखो डिविजिबल है या नहीं, तो 19 के टेबल में 49 नहीं आता है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो अगेन मैं एक नंबर फिर से लेती हूँ, दूसरा नंबर लेती हूँ 6 8 9 7, लास्ट डिजिट है 7, उसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से एंड ऐड करूँगी रिमेनिंग पार्ट में 7 into 2 14, 9 plus 4 13, कैरी 1, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, फिर से कैरी 1, 6 plus 1 7, तो फिर से 3 लास्ट डिजिट है, 3 into 2 करूँगी 6 है, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करूँगी 76, सो 76 19 के टेबल में फोर्थ पोजिशन पे आता है, 19 into 4 is equal to 76, सो ये नंबर पूरा 19 से डिविजिबल होता है। तो इधर मैं फिर से शॉर्टकट लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड, शॉर्टकट है। इसके बाद 20 का डिविजिबिलिटी रूल, इधर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब 20 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 10 और 2 दोनों से डिविजिबिलिटी डिविजिबल होना चाहिए, हो सकता है ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसका डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के टू डिजिट्स मल्टीप्लाई होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 20 से। दैट इज, लेट्स सपोज हम लेते हैं कोई बड़ा नंबर 9 8 9 3 7 4 0, ये नंबर 20 से डिविजिबल है क्या, कह सकते हैं, क्योंकि ये 40 जो है लास्ट के टू डिजिट्स ये 20 से डिविजिबल है, ऐसे हम चेक करेंगे। तो लास्ट टू डिजिट्स शुड डिविजिबल बाय 20। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब ये पार्ट वन है, 1 to 20 तक आपको 21 to 30 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पार्ट टू के वीडियो में दिख जाएंगे, पार्ट टू के वीडियो में समझ जाएंगे। तो अभी तक इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।